नमस्ते, स्वागत है आपका इस न्यू रीडिंग में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे। मेरे सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स। आई एम सेंडिंग यू ब्लेसिंग्स, आई एम सेंडिंग यू हीलिंग्स। मेक श्योर आप रिसीव करें, मेक श्योर आप रिसीव करें, मेक श्योर आप रिसीव करें और एक्सेप्ट करें। तो आज आपके आपके पर्सन की करंट रीडिंग होने वाली है, करंट फीलिंग। ठीक है, एक डोर यहाँ पे आने वाला है, उस पर मेडिटेट कीजिएगा। जनरल रीडिंग होने वाली है, पिक अ पाइल नहीं होगी, पिक अ कार्ड नहीं है ये, वरना मैं एक से ज़्यादा दरवाजे रखती। काफ़ी यूनिक तरीके का दरवाज़ा आया है, एक तरीके से दरवाज़ा नहीं, एक तरीके से गेटवे होता है, जिस तरीके से जैसे किसी की एंट्री हो रही हो, एग्ज़िट हो रही हो, और ये दरवाज़ा हमेशा के लिए जैसे खुला हो। मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ, देखिए किस तरीके से यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा। ठीक है, कुछ कार्ड्स लेते हैं और उससे क्लैरिटी लेते हैं। ठीक है, क्या आता है, इस क्या है आपके लिए इस दरवाजे के आर पार, क्या है आपके लिए इस दरवाजे के आर पार। चलो मैं उल्टे करके रखती हूँ, फिर हम बाद में इसको देखेंगे। क्या है आपके लिए इस दरवाजे के आर पार? कार्ड शफलिंग को भी देखा कीजिए, आपकी एनर्जीज यहाँ तक आने दीजिए। क्या है इस दरवाजे के आर पार आपके लिए? ऐसा लगता है मुझे इस रीडिंग की एनर्जी से किसी से ना बहुत ज़ोर जबरदस्ती करके बुलवाना पड़ रहा है, कोई राज़ी नहीं है। टेम्पटेशन, पैशन इग्नाइटेड, सोलर प्लेक्सस, ओह माय गॉड। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं आपके पर्सन के बारे में, हो ना हो, बॉटम में देख लेते हैं कौन सी एनर्जी है। बॉटम में हमारे पास है डेस्टिनी, बहुत प्यारा सा कार्ड आया है। ठीक है, हो ना हो, पहले ही इस पर्सन के बारे में ये बता दूं, इनका जो तरीका है, ठीक है, जैसे काफ़ी ज़्यादा जो काफ़ी सारी लव लैंग्वेजेस होती है ना, इनका तरीका जो है वो है फिज़िकल टच, हो ना हो। ठीक है, ये जो आपकी जो पर्सन की जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस समय कि ये जो पर्सन है इतनी आसानी से अपने अंदर की बात किसी को नहीं बताएंगे। कुछ भी फील हो रहा हो, कुछ भी फील हो रहा हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी हो जिसमें ये पर्सन सह नहीं पा रहे हो, ठीक है, ये ऐसी एनर्जी हो जहाँ पे आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाह रहे हो, हेजिटेशन हो रही हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, बहुत आसान नहीं है इस पर्सन के लिए। ठीक है, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर योर पर्सन कि वो अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करे। ज़्यादातर टाइम मैं इनको देख रही हूँ, कोई भी चीज़ है ना सोल लेवल पे अकेले ही उससे डील कर रहे हैं। कोई भी चीज़ है ना उसको उसको दिल ही दिल में रख के सही करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल ही दिल में कहीं ना कहीं ये जो पर्सन हैं वो इससे डील कर रहे हैं। ठीक है, और दिल ही दिल में
ये पर्सन उस चीज़ को डिसमिस भी कर रहे हैं। मतलब इस रिश्ते को लेके जो भी इनके मन में वरीज है, जो भी इनके मन में टेंशन है, ठीक है, जो भी इनके मन में आती है ना, जो डर लगता है, जो जो भी चीज़ें इनको परेशान करती है, जो ये वरी रहते हैं आपको लेकर, उस चीज़ को भी आपके सामने डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, ये ना ज़्यादातर चीज़ें वक्त पे छोड़ते हैं ये देखने के लिए कि देखते हैं क्या होता है, देखते हैं वक्त रहते क्या होता है, ठीक है, देखते हैं वक्त रहते चीज़ें कैसे ठीक होती हैं कि नहीं होती, देखते हैं कि सामने वाला इंसान उस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता। हर चीज़ ना ये पर्सन खुद करने की बजाय वक्त पे डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद करने के बजाय इनको ऐसा लगता है कि किस्मत, डेस्टिनी वक्त पे डालेंगे ना, मतलब बजाय खुद एफर्ट करके उस चीज़ को कर सकते हैं। करेंटली आपके पर्सन की आप देखोगे ना टेम्पटेशन, इनर टेम्पटेशन आपको लेके इतना ज़्यादा है, एज इफ़ इस समय भी ये पर्सन इमेजिन कर रहे हैं कि कैसे कैसे ये आप तक पहुंच भी जाएं, लेकिन जो आप दोनों के बीच में जो अनबन है, जो डिसअपॉइंटमेंट है, उसको अवॉइड भी कर सकें, मतलब आप तक पहुंचे भी। तभी तो एक तरीके से आप देखोगे ना, ये जो खुला सा दरवाज़ा आया है उसका मतलब ये भी है, इन्होंने ना कभी भी आपको, आपकी जो एनर्जीज़ को ना परमानेंटली ब्लॉक नहीं किया है, कभी भी आपकी एनर्जीज़ को इस तरीके से नहीं रोका है कि, या ये आपको पूरी तरीके से रोक दें कि तुम मेरी ज़िंदगी में वापस ना आना, या पूरी तरीके से बोल दें कि तुम चले जाओ। एक तरीके से इन्होंने दरवाज़ा हमेशा खुला रखा है। जैसे कहते नहीं है, खुद कुछ नहीं करना, किस्मत पे छोड़ते हैं, अगर इंसान को आना है वो आएगा, मतलब अगर आप आते हो तो बात कर भी लेंगे, अगर आप नहीं भी आते हो और बात नहीं भी करते हो तो ये चुप भी रह लेंगे। उस तरीके की एनर्जी है कि सब कुछ राम भरोसे, सब कुछ किस्मत भरोसे। तो आपके पर्सन को मैं देख रही हूँ कि चुपचाप रहते हुए ये चीज़ों से डील करने की कोशिश कर रहे हैं। चुपचाप रहते हुए ये अपना अग्रेशन भी आपको नहीं दिखाएंगे, ठीक है, अपना एग्रेशन भी नहीं दिखाएंगे, अपनी सैडनेस भी नहीं दिखाएंगे। आपके दिल में ना एक बहुत ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर है इस पर्सन के लिए, और इनकी जो साइलेंस है वो आपको परेशान करती है। इनकी साइलेंस की वजह से आपके मन में लाखों सवाल गूंजते हैं, इनकी साइलेंस की वजह से आपके मन में डाउट आता है, ठीक है। कभी कभी तो इनकी साइलेंस को आप एक इमेजिन करते हो कि बहुत ही एक तरीके का पैशन है, एक पैशन फील करते हो, मतलब इनकी जो साइलेंस है आपको खींचती है, ठीक है, इनकी ओर खींचती है, मतलब आपकी, आप पता है, इस पर्सन को लेके आपके अंदर जो प्यार है वो इस तरीके का है कि आप महसूस करते हो, आप बहुत बार इनको लेके शायद फैसला भी ले लेते हो कि अब आखिरी बार है, अब इससे कोई बात नहीं करनी, अब आखिरी बार है, अब छोड़ देना है, अब कुछ नहीं बोलना है, ठीक है, आखिरी बार है, अब शायद इन पर ध्यान नहीं देना है। बट आपकी एनर्जीज ऐसी है, आप इसलिए भी ज़्यादा परेशान हो। आपको ऐसा लगता है क्यों मैं बार बार उनके पास चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, क्यों मैं उनके बात आई तो खुद को रोक नहीं पाती, ठीक है, क्यों उनसे बात करने के लिए मेरा मन रुक नहीं पाता। तो इनकी जो साइलेंस है ना, वो भी आपको एक तरीके का हिंट दे रही है, वो भी आपको मन ही मन ना अंदर से बहुत ज़्यादा तोड़ भी रही है, एक तरीके का प्लेजर भी दे रही है, ठीक है, तोड़ भी रही है, प्लेजर भी दे रही है। एक तरीके से ऐसे भी लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है एफर्ट डालने का, ठीक है, एक तरीके से ऐसे भी लगता है कि जब ये इंसान मेरे लिए इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं है, तो ये जो बर्निंग डिज़ायर है ना आपके दिल ही दिल में, मैं देख रही हूँ जलता बुझता हुआ दिख रहा है, जल भी रहा है, अपने आप से बुझ भी रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने सवालों के जवाब खुद ही दे रहे हो, आपको देने पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने ही सवालों के जवाब दे रहे हो, कहीं ना कहीं अपने ही सवालों के जवाबों की वजह से परेशान भी हो, ठीक है। टेम्पटेशन
सेम इस पर्सन का हाल है। मैंने कहा है इन्होंने सब कुछ किस्मत पे छोड़ दिया है, और अगर ये चाहे ना, देखो यहाँ पे ये चाबी है जो कि बोल रही है कि इस रिलेशनशिप का जो लॉन्ग डिस्टेंस है, कब से इनको ऐसा लगता है कि ये ख़त्म कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं दोनों की करंट फीलिंग बता रही हूँ, फिर नेक्स्ट एक्शन आपको बताऊँगी, ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन देखो खुद के हाथ से ये पर्सन उस चीज़ को रोक रहे हैं, उस चीज़ को दूर कर रहे हैं। ऐसा लगता है ये खुद की ही वॉइस के खिलाफ हों, ऐसा लगता है खुद की वॉइस को बोल रहे हों, आई नीड सम टाइम। ठीक है, जैसे ऐसा लगता है कि खुद को ही समझा रहे हो। ठीक है, ऐसा लगता है कि खुद से ही बोल रहे हैं कि वहीं रुक जाओ, वहीं थम जाओ, रहने देते हैं। ठीक है, रहने देते हैं, अभी नहीं करते हैं, अभी मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसा लगता है कि एक साइड इनकी ये है जो इनको पुश कर रही है, उनका दिल, प्लस उनका जो एक्शन लेने के लिए, तो ना ये जो पर्सन है जो पीछे हट रहे हैं, वो इसलिए भी हट रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि आपके सामने आ कर ना वो चीज़ दोबारा से बोलने की इनकी ताकत नहीं है। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, देखो जब से इस पर्सन ने आपसे मुंह फेर लिया है ना, तब से इनका जो ध्यान है ना वो बिल्कुल बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है। इनको ऐसा लगता है कि जो भी पैसों को लेके मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी पैसों को लेके आप दोनों में कोई बातचीत हुई है या कोई लेन देन नहीं हो पाया, उसके वजह से ना ये पर्सन बहुत शर्मिंदा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। ऐसा लग रहा है कि इनकी जो पैसों की जो ज़रूरत है ना वो कभी पूरी ही नहीं हो रही है। मतलब एक चीज़ में इनको पैसे की कमी पूरी होती है तो दूसरी चीज़ में मतलब पैसे की ज़रूरत आ जाती है, दूसरे में पूरी होती है तो तीसरे में आ जाती है। इस तरीके से ना ये अपनी लाइफ को बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इनकी लाइफ में ये देखो ना, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, लेकिन ना आपके पर्सन को मतलब बहुत शर्मिंदा भी होना पड़ा है इस चीज़ की वजह से, स्पेशली आपकी नज़र में। इनको ये भी लगा है जब इनके पास इतनी भी फैसिलिटी नहीं है, अगर ये इतना भी आपको स्टेबल लाइफ नहीं दे सकते तो आगे के लिए किस मुंह से आपका रिश्ता मांगने आए। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, देखो खुद ही देख लो ना, आने वाले टाइम में ना, अगले 6 महीनों में ना ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा पैसों के मामलों में स्टेबल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि जो भी तंगी, जो भी फाइनेंशियल इशू रहे हैं, जो भी पेंटिकल्स की एनर्जी रही है ना, वो धीरे धीरे ठीक होती हुई नज़र आ रही है। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि इनके पास सब कुछ होने वाला है और वो शांति से करेंगे बिना किसी को बताए। ठीक है, इन सब में जितना ज़्यादा इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जितना ज़्यादा इनके पास चीज़ें आ रही है, उतना ही आपके पर्सन को लगता है कि वो ना हर चीज़ को ले सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ को ये खरीद सकते हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी ये ले सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ इनके हाथों में आ सकती है, हर चीज़ इनके, हर चीज़ इनके इशारों पे नाच सकती है। बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो ये ख़रीद नहीं सकते। मतलब ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी आने के बाद आपके पर्सन को यूँ लगता है कि हर चीज़ ये चाहकर चुटकियों में नहीं ले सकते। जैसे कि आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कोई ऐसी चीज़ जो हम पैसों से नहीं ख़रीद सकते, बताओगे कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कौन से गेस कर पाते हैं। जो बहुत ही वैल्यूबल है, जो बहुत ही जो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, क्या ऐसी चीज़ है जो हम पैसों से नहीं ख़रीद सकते? लिखिए आंसर, जो भी हो, सही गलत कुछ नहीं होता, अपने अनुसार लिखिए। ठीक है, देखो सही बात है, बात बिल्कुल सही है,
द थिंग इज, द थिंग इज, इट इज टाइम। आपके पर्सन को लगता है ना रेत की तरह समय फिसला जा रहा है, और इस बदलते समय के साथ, इस फिसलते हुए टाइम के साथ ना, जो आप दोनों में जो ऑकवर्डनेस है ना वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, आपके पर्सन के इंट्यूशन ये बोलता है कि वो आपको अब फिर से कैसे इम्प्रेस करे। ठीक है, वो आपको फिर से उस एनर्जी में कैसे लाएं, वो आपके सामने आपकी नज़रों में कैसे विश्वास दिलाएं, कैसे भरोसा दिलाएं कि वो अभी भी यही सोचते हैं आपके बारे में। कैसे भरोसा दिलाएं कि अभी भी आपके अंदर वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मतलब अगर ये लाइफ में अपनी अच्छा कर भी रहे हैं तो भी इनको ना आपके साथ की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अच्छा करने के बाद इनको ऐसा लगता है कि नहीं आपकी ज़रूरत नहीं है, बिना पार्टनर के वो रह लेंगे। आपकी ज़रूरत नहीं है, बिना पार्टनर के वो एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, जितना ज़्यादा ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं उतना ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है ना, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को आपने बहुत समझाया है, बहुत समझाया है, लेकिन जिस टाइम आपने एक तरीके से साइलेंस ले ली ना, जिस टाइम एक तरीके से आपने पूरी तरीके से पीसफुल रखना स्टार्ट किया, पूरी तरीके से ये सोचा कि शांति बनाए रखते हैं, शांति रखते हैं, कोई किसी से लड़ेगा नहीं, कोई किसी से झगड़ेगा नहीं, कोई किसी से कुछ नहीं बोलेगा, मतलब जब आपने देखा कि आपके एफर्ट्स बिल्कुल ज़ीरो हो रहे हैं, बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती रही है। ठीक है, आपके पर्सन को बहुत बुरा लगता रहा है कि ये क्या है, कि ये इंसान साइलेंस में क्यों चला जाता है बार बार। ठीक है, ये इंसान इतना ज़्यादा साइलेंट क्यों हो जाता है, जबकि इनको आपकी साइलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। ठीक है, जबकि इनको आपकी मतलब साइलेंस बहुत ज़्यादा, जिसे कहते नहीं बॉदर करती है, अभी भी साइलेंस बहुत ज़्यादा, जिसको कहते नहीं बॉदर करना, या बहुत ज़्यादा वैसे मतलब इरिटेशन होना जिसे बोलते हैं ना, बट अब ये इंसान को मैं खुद देख रही हूँ कि दिस पर्सन इज़ लविंग साइलेंस। अब ये खुद साइलेंट हो गए हैं तो इनको समझ आ रहा है कि एक साइलेंस की पावर क्या है, क्यों इंसान साइलेंस हो जाते हैं, और अगर हो जाते हैं तो उसका भी क्या रीज़न होता है। ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गया, इसका मतलब ज़रूर उनको कोई बात इतनी ज़्यादा बुरी लगी है, इतनी ज़्यादा बुरी लगी है कि वो उसको एक तरीके से चैनल करके, एक तरीके से साइलेंस में ना अपने आप को हील कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा पावर होती है साइलेंस में, अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को एक तरीके से रिन्यू कर सकते हैं, एक रिन्यूअल वाली एनर्जी होती है। अब इस पर्सन को ये चीज़ समझ आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये खुद भी उस बात पर है, खुद भी ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, खुद भी इनको ऐसा लगता है कि जो ये कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं एक तरीके से। बहुत सारे आंसर्स इनको ऐसे ही मिल गए साइलेंस में ही। ठीक है, तो दिस पर्सन इज़ लविंग योर वे, और इनको ऐसा लगता है दे आर मेकिंग देयर वे टूवर्ड्स यू। ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप भी उनकी खुशियों में ना सब कुछ विटनेस करो, ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये आपको फंसा के नहीं रखना चाहते, ना ही दुख देना चाहते हैं। ठीक है, अब बोलने का टाइम चला गया, अब चीज़ है करने की। सोलर प्लेक्सस की एनर्जी, वेरी पैशनेट, वेरी रोमांटिक एनर्जी, जहाँ बस छोटे से कदम से ये आपके दिल को जीतना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस। डेस्टिनी देखो, तू ही तू हर जगह हर पल क्यों है। इनको तो ऐसा लगने लगा है कि कोई एक इल्यूजन हो रहा है या हेलुसिनेशन हो रहा है, जहाँ पे इनको ठीक है हेलुसिनेशन हो रहा है, हेलुसिनेशन हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। इनको आप हर जगह दिखने लगे हो, एक तरीके से हर जगह मैसेज मिलने लगा है इनको, एक तरीके से यूनिवर्स भी इनको कंपेल कर रहा है, यूनिवर्स भी ये चाह रहा है कि एक बार तो बात कर लो। कल भी कुछ नहीं बोला, परसों भी कुछ नहीं बोला, आज भी तुम्हारी तरफ से कोई
कोई हिंट्स नहीं, तो आपके पर्सन को ये चीज़ कमज़ोर कर रही है अंदर से, उनकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे जा रही है। हाँ, साइलेंस की वजह से ये पर्सन ने और आपने बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर लिया, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि साइलेंस सही है या कन्वर्सेशन सही है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर लिया, हटा लिया, बहुत कुछ गलत होने से रोक लिया, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि ये साइलेंस कब तक काम आएगी। वो ये जानना चाहते हैं कि इस साइलेंस की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रिश्ता कभी कम्युनिकेशन में जा ही ना पाए, हमेशा नो कॉन्टैक्ट में ही रह जाए, ठीक है। हमेशा से ऐसा लगता है इस पर्सन को कि ये साइलेंस बहुत हो गया, अब आप इनको हर जगह दिखने लगे हो, एक तरीके से दिस इज़ द टाइम दे वॉन्ट टू मेक अ कम बैक, दिस इज़ द टाइम, ठीक है। अगले, मैं आपको एक टाइम देती हूँ, अगले 10 से 12 घंटों में आप देखना इस पर्सन की तरफ से एक लव मैसेजेस, ठीक है, एक तरीके का एक ऐसा लगेगा, एक ऑफ़र, एक तरीके का ऐसा लगेगा कि अगर लव के बारे में भी नहीं तो, ठीक है, लव की वजह से भी नहीं तो एक तरीके से हाथ बढ़ाना, एक तरीके से हाथ बढ़ाते हुए, क्योंकि अपनी तरफ से ना ये आपको जताएंगे अपनी फीलिंग्स को लेकर कि इन्होंने ना कभी क्लोजर किया ही नहीं। हाँ, इन्होंने बात नहीं की, हाँ इनकी साइलेंस ने, नो एक्शन ने, नो कन्वर्सेशन ने आपको बॉदर ज़रूर किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये चीज़ सोच लिया, ये चीज़ डिसाइड कर ली कि आपको अपनी लाइफ से ये निकाल देंगे। ऐसा कभी भी मत सोचना, ठीक है, आपको अपनी लाइफ से ये निकाल देंगे या आपको अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहते, यही रीज़न है। ऐसा ये आपको कर ही नहीं सकते, कभी भी पूरी तरीके से धक्के मार के नहीं निकाल सकते, तभी तो इस पर्सन ने ये रास्ता खुला रखा है, इनका दिल का रास्ता आपके लिए हमेशा से खुला है। आप रियलाइज़ करोगे कि कितना ज़्यादा इनके अंदर प्यार है, लेकिन उसको दिखाने की ना, उसको जताने की, और मतलब कहते नहीं है, इनकी इंट्यूशन भी यही चीज़ बोल रही है कि अब वो टाइम आ गया है। नंबर 2 का कार्ड यहाँ पे, जब से स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, 2, रीयूनियन, कनेक्शन, पार्टनरशिप, ठीक है, अब वो टाइम आ गया है कि मैं अपने पर्सन को अपने दिल की बात बता दूँ, कब तक अंदर रखूँ, कब तक इस चीज़ को छुपाऊँ। तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत सेंसिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जानोगे कि इनकी गलती है, इनको जताना नहीं आता, लेकिन छुपा भी नहीं सकते अब आपसे। इनकी हिडन फीलिंग्स मैंने आपको वैसे ही बता दी, रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। सबसे पहले यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लीब्रा, जेमिनी, वर्गो, ये कार्ड तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा इनकी एनर्जी है। शुक्रिया, मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।